नमस्कार, मैं बालकिशन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे घंटे के बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी वजह से इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दौरान दान पुण्य करना विशेष माना जाता है और इस दिन यदि आप अपने पितरों के नाम पर तर्पण करते हैं तो कई पितृ दोषों से मुक्ति के साथ घर में समृद्धि आती है। इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा और यदि इस दिन आप अपनी राशि के अनुसार सही चीजों का दान करेंगे तो आपके घर में सदैव आर्थिक लाभ होने के साथ समृद्धि आती है। आइए जानें कि आपको किन चीजों का दान करना है। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल को माना जाता है और इसका रंग लाल होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम किसी भी अवसर पर मेष राशि के लोग लाल वस्त्र धारण करते हैं या फिर लाल चीजों का दान करते हैं तो उनके जीवन में लाभ होता है। मकर संक्रांति के दिन भी आपको लाल चीजों मुख्य रूप से लाल अनाज जैसे लाल मसूर की दाल का दान करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आप यदि इस दिन लाल कपड़ों का दान भी करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और ये आपको पितृदशों से भी मुक्त करने में मदद करेगा। इसके बाद आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन सफेद तिल का दान करने की सलाह दी जाती है। आप इस दिन किसी भी सफेद चीज का दान करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको चावल या सफेद तिल का दान करने की सलाह दी जाती है। इस दिन यदि आप चीनी का दान भी करते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी माना जाता है। वृषभ राशि के लोगों को मकर संक्रांति में सफेद कपड़ों का दान करने की सलाह दी जाती है। आप इस दिन किसी जरूरतमंद को सफेद ऊनी कपड़े या कंबल का दान करें। इसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और इसका रंग हरा होता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन हरे रंग की चीजों का दान करते हैं जैसे हरी सब्जियों या हरे वस्त्रों का तो आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है और आपको सफलता मिलती है। मिथुन राशि के लोगों को मकर संक्रांति में हरी मूंग दाल का दान करने की सलाह भी दी जाती है। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा को माना जाता है और चंद्रमा का रंग सफेद होता है। चंद्रमा का शुभ दिन सोमवार को माना जाता है और इस साल मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए यदि आप इस दिन सफेद चीजों का दान किसी जरूरतमंद को करते हैं तो यह आपके लिए शुभ फल देने वाला होता है। इस दिन आप सफेद कपड़ों का दान मुख्य रूप से करें और यदि संभव है तो दूध, दही या घी का दान करें। इससे आपके जीवन में सौहार्द बना रहेगा और खुशहाली आएगी। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य को माना जाता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन सूर्य से जुड़ी चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। इस दिन आप गुड़, तिल की चिक्की, मूंगफली और तिल के लड्डू का दान करें तो आपके लिए लाभदायक होगा। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध को माना जाता है और हरी चीजों का दान आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। आप इस दिन हरी मूंग दाल या इस दाल की खिचड़ी का दान करें। अगर आप इस दिन खिचड़ी बनाकर गरीबों को भोजन कराएं तो इससे पितृ दोषों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन आप जरूरतमंदों को हरे रंग के कंबल का दान भी कर सकती हैं। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि के जातक शुक्र ग्रह हैं और उनका रंग सफेद माना जाता है। यदि मकर संक्रांति के दिन आप सफेद अनाज जैसे चावल का दान करें और आप इस दिन सफेद मेवों जैसे काजू, मखाने आदि का दान भी कर सकती हैं। इस दिन सफेद वस्त्रों का दान भी आपके लिए शुभ हो सकता है। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और यदि आप मकर संक्रांति के दिन लाल चीजों के साथ मूंगफली, गुड़ और लाल रंग के गर्म कपड़े का दान करते हैं तो आपको पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलेगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति को माना जाता है और उनका रंग पीला है।
यदि आप मकर संक्रांति के दिन पीली चीजों जैसे चना दाल, बेसन और पीले वस्त्रों का दान करती हैं, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और पितरों की नाराजगी दूर होगी। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि को माना जाता है और उनका रंग काला होता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन काले अनाज जैसे जाली उड़द दाल और काले तिल का दान करती हैं, तो आपके लिए शुभ होगा। इस दिन आप काले कंबल का दान भी गरीबों या जरूरतमंदों को जरूर करें। आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग यदि मकर संक्रांति के दिन उन्हीं कपड़ों का दान करते हैं और चमड़े का सामान दान में देते हैं, तो पूरे साल आपको शुभ फल मिलते रहते हैं। आप इस दिन सरसों के तेल और काले कंबल का दान भी अवश्य करें। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि के लोग यदि मकर संक्रांति के दिन पीली चीजों, अनाजों और वस्त्रों का दान करेंगे, तो उन्हें इसके शुभ फल मिल सकते हैं। आप इस दिन चना दाल या बेसन का दान जरूर करें। यदि आप यहाँ बताए अनुसार सभी राशियों को ध्यान में रखते हुए सही चीजों का दान करती हैं, तो आपके जीवन में इसका प्रभाव पूरे साल बना रहेगा और पितरों की नाराजगी दूर करने में मदद मिलेगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।